ऐसे मेंटिटी के लिए एक दिक्कत वाली बात ये रहती है उनके कंटेनर्स वाले ड्रॉप पे कि वहाँ पे हाइप उनको चैलेंज करती है, अगर टीम तमिलनाडु नहीं होती तो हमेशा उनको कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई टीम मिल ही जाती है। बट ये गेम बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, काफी सारे स्लैमिंग फाइट्स यहाँ पे देखने को मिले। एक्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हुए, उन्होंने लिमिटेड में प्रॉपर एक फाइट स्टार्ट किया था, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट स्लैमिंग फाइट्स एंड ये चीजें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स थी मेरे ख्याल से, बस गॉडल के पास चांस हुए, बट जब स्मोकी 1 HP हुए तो मुश्किल स्मोकी के लिए गॉडल के लिए बढ़ गई थी। बिल्कुल, वहाँ पे फर्स्ट एड इधर शायद फर्स्ट एड रहते तो एक इक्विवेलेंट फाइट रहती, 75% पर्सन एंड 75% प्लेयर अगर वो रहता वहाँ पे, बट वहाँ पे सिर्फ एक बुलेट कलेक्ट करी थी तो M762 तो फिर तो वो माइनस में डैमेज देखे जाते। पहले डैमेज पड़ रहा है, फिर कवर पे जा रहे हैं, बट अच्छी तरीके से उन लोगों ने स्टार्टिंग होल्ड करो, 2 vs 2 की फाइट है, फिर नीचे एक से ऊपर जो ग्रेनेड गया वहां पे नॉक डाउन जो देखने को मिला। इस गेम ने पावर हाउस का पूरा का पूरा ही एक तरीके से टेम्परमेंट बदल दिया, वो प्रॉपर एग्रेशन में जा चुके थे, उसके बाद ग्रेनेड जो ये नोवा किंग के ग्रेनेड गए थे, आई मीन उन्होंने माफी से मैन में गोल्डन हैंड का खिताब ले लिया था एक तरीके से, लाइक कि अगर मेरे को चिकन डिनर लेना तो मेरे को ऐसे गेम प्ले दिखाने पड़ेंगे। एंड मोस्टली फाइट्स यहाँ पर ग्रेनेड के बाद आ रही थी टीम INT। अब यहाँ पर INT के दोनों दिक्कत ये थी, स्नैक पीछे थे तो फिर रिमेंबर एंड बाकी प्लेयर्स आगे जा चुके थे, एंड वहाँ पर INT ने अपना थोड़ा सा एक गेम प्ले खो दिया। वीरू अकेले फाइट ले रहे थे, हेलमेट नहीं है, 1 bullet टू द हेड वुड हैव बीन हिज डिमाइज, एंड ये हुआ ऑब्वियसली टीम एक्सट्रीम को फिनिश किया, बट पीछे से वीरू के अगेंस्ट सारी की सारी फाइट्स आ गए, डेड आइज गाइस ने प्रॉपरली खत्म किया जो उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद N2 जब बचे हुए थे यहाँ पर, मैं जब एक्टिव हूँ N2 को पता था सामने प्लेयर्स, बट उनको पीछे वाले प्लेयर्स का कोई आइडिया नहीं, पीछे वाले प्लेयर्स को आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो फायदा भी उठाया उन्होंने। आई थिंक पावर हाउस एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो किल उनकी तरफ आएगा, और ये थे मैच के फाइनल मोमेंट, पावर हाउस एंड डेड आई गाइस, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था दोनों साइड के नॉक पर, बट वो नॉक के एडवांटेज दे रहे थे जिस तरीके से यहाँ पे बनाया था पावर हाउस ग्रीन था, 7 kills जो निकाले, मेरे ख्याल से किल्स काउंट इतने ओवरऑल मोस्टली टीम्स के बनते हैं जब प्रॉपर यू नो बनने में आता है ऐसी सिचुएशंस में, और प्लेयर्स भी नहीं थे, एंड एक साइड से लेजी सर एक टाइम पर इनके पाक के साथ बात करें तो 6 kills इस प्लेयर के भी थे, ये प्लेयर कहीं भी पीछे नहीं हटता है। स्लेयर यहाँ पे अपनी टीम के लिए 4 kills लेके जाते हुए, ऑरेंज रॉक के वीरू कमिंग अप विद 3 kills एंड गुरखा YT he got 3 kills है, कोई कमबैक करने की जरूरत है, वो इस वाले मैच नंबर 3 week 2 day 2 में देखने को मिला। #1 का यहाँ पे लैंडमार्क इन्होंने अचीव करा, एंड 36 points 16 kills एक बहुत बड़ा मार्क होता है जहाँ पे योगदान था नोवा वर्सेस 2 सिचुएशन, बिकॉज उनका भी एक प्लेयर नॉक था, भले रिवाइव देना था उसको, गिव अप करो भले ही वहां पे 2 vs 2 सिचुएशन लो, बट एक बंदे के पास वो प्लस मार्क जो कि रिवाइव वो दे रहा था, तो 1 vs 2 का सिचुएशन बनता, एक प्लेट आगे जीत है वाले मोमेंट पर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइट बिटवीन हाइप एंड TSM एंटिटी। बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिला था, एक टीम जो कि टॉप पे चल रही है, एक टीम यहाँ पे सेकंड चार्ट पे है, बट यहाँ पे जिस तरीके से ये फाइट को होल्ड करा यहाँ पे हाइप ने, तारीफ करनी पड़ेगी इन लोगों की, एक जो लोटस ग्रेनेड था वहाँ पे डैमेज दिया था, बट क्लच गॉड को यहाँ पे यस जेरुगन सी डैमेज दिया था वहाँ पे, 1 HP हो चुके थे, बट यहाँ पे वेनम ने गातों को नॉक डाउन कर, एक लंबा यहाँ पे स्प्रे डाला था वहाँ पे, इस तरीके से नॉक डाउन हुआ, बट यहाँ पे क्लच गॉड जैसी हेल्थ पॉप करके आए वेनम ने ऊपर से